हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स। सो आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि मैं दिखाने वाली हूँ आपको नायका हॉल और नायका की अनपैकेजिंग। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन वॉचिंग द वीडियो। सो अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। और अब मैं इस बॉक्स की अनपैकेजिंग कर रही हूँ और मुझे सबसे गंदा काम यही लगता है इसकी अनपैकेजिंग करना, क्योंकि बहुत टफ होता है इन सब की अनपैकेजिंग करना। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं दिखाने जा रही हूँ इज़ माय फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस क्लींजर सिंस 3 इयर्स। पहले ये मैं मेडिकल स्टोर से लाती थी, बट मैंने जैसे ही इसे नायका में देखा एंड मोर ओवर डिस्काउंट में देखा, सो मैंने एकदम से इसे कार्ट में डाल दिया। एंड इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छे से हुई है, इसकी अनपैकेजिंग करना बहुत टफ था। इस क्लींजर के कुछ फीचर्स एंड बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे पहले से पता है। सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है दैट इट इज़ आइडियल फॉर डेली यूज़। आप इसको रोज़ यूज़ कर सकते हैं और आपको इसको 2 times a डे यूज़ करना पड़ेगा, एक सुबह एक शाम को। और ये आपके सारे डर्ट एंड ऑयल को एकदम साफ कर देगा और ये ज़्यादा फोम जो होता है वो फॉर्म नहीं करता है। And it is very ideal for those who suffer from oily, acne prone and blemished skin. और ये आपके pH balance को भी maintain करेगा। इस cleanser की जो MRP है वो है ₹427, but मुझे 10% off में मिला था तो इसका price 384 था। और ये इसका जो net quantity है वो 125 ml है और बिलीव मी गाइस, ये आराम से 6 to 7 months आराम से चलेगा, अगर क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना होता है। ये सिर्फ 2 या 3 drops से ही आपका पूरा काम हो जाएगा, आपके सारा फेस क्लीन हो जाएगा। ये मेरा काफ़ी टाइम तक चलता है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो बहुत सी गर्ल्स मेकअप यूज़ करती हैं, बट मेकअप हमेशा अच्छे से रिमूव नहीं होता है, विच कैन कॉज इन टू ब्लैक हेड्स, पिम्पल्स एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इसलिए मैंने ये मेकअप रिमूवर मंगाया है। इट इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट टू रिमूव। अगर आप काजल भी लगाती हैं, आईलाइनर भी लगाती है, उसको भी हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने ये मंगाया है, विच इज़ वेरी जेंटल ऑन योर स्किन। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ आपको इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। इसमें वाटरी टाइप का फॉर्म होता है, इसकी कंसिस्टेंसी वाटरी टाइप की होती है। इसको आपको कॉटन में लेना है, जैसे आप टोनर यूज़ करते हैं आप उसको कॉटन में लेते हैं एंड देन रब इट ऑन योर फेस, जस्ट लाइक दैट यू हैव टू यूज़ दिस वन ऑल्सो। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करी जाए तो इसकी प्लास्टिक बॉटल है और इसकी फ्लैप लिड है, विच इज़ वेरी गुड। और ये जो बॉटल है वो प्लास्टिक है और ट्रांसपेरेंट है और ये बहुत इजी होता है यूज़ करने के लिए। और जो इसकी फ्लैप लिड है वेरी इजीली ओपन होती है एंड क्लोज होती है और बिल्कुल सिक्योर है, आपका कोई भी प्रोडक्ट लीक नहीं होगा। और इट इज़ वेरी गुड फॉर ट्रैवलर्स ऑल्सो, आप अच्छे से इसको ले जा सकते हैं कहीं पर भी बैग में रख के। इसका जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है उसमें ये है दैट इट रिमूव्स मेकअप वेरी इजीली और मस्कारा को भी ये बहुत इजीली रिमूव करता है और कोई भी थोड़ी भी इचिंग नहीं होगी, ऐसा इसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में है। मैंने अभी तक ये यूज़ नहीं करा है बट मैं बहुत जल्दी इसका रिव्यू लाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप इसका रिव्यू भी देख सकें। जो मैंने साइज़ मंगाया है वो 200 ml का है और उसका MRP ₹250 है, बट ये मैंने डिस्काउंट में मंगाया था ओनली ₹200 में और अभी भी ये शायद डिस्काउंट में अवेलेबल होगा, तो प्लीज़ आप जल्दी से ख़रीद लें।
और इसका बड़ी पैकेजिंग भी आती है, वो 400 ml की होती है और उसका MRP है ₹350 और वो आपको ₹298 में मिलेगा। ये प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और इसकी कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं होती है, फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूलेशन है। सो जिनको भी फ्रेग्रेंस से नफरत है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। सो जो थर्ड प्रोडक्ट मैंने मंगाया है वो है गार्नियर मिसलर क्लींजिंग वाटर और ये भी मेकअप रिमूवर है। सो ये बोथ निविया एंड गार्नियर के मिसलर्स वाटर बहुत ज़्यादा हाइप में थे और बहुत से लोग इसका रिव्यू दे रहे थे अच्छा अच्छा, तो इसलिए मुझे भी ट्राई करना था कि हाउ इज़ इट। सो इसलिए मैंने भी ऑर्डर करा है। और ये जो मेकअप रिमूवर है ये बिल्कुल बोलता है कि आपके क्लींस कर देगा एंड आपके आई मेकअप को रिमूव कर देगा विदाउट एनी रबिंग। सो इट हैज़ नो परफ्यूम। सो द नेट क्वान्टिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ 125 ml और इसका MRP ₹175 है। इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं था। इसकी बड़ी पैकेजिंग भी आती है, उसका 400 ml नेट क्वान्टिटी है और उसका MRP ₹349 है और उसमें भी आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो है द कामा आयुर्वेदा प्योर रोज वाटर और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था देखने में तो इसलिए मैंने ये मंगा लिया। सो इसकी पैकेजिंग की बात करी जाए तो ये प्लास्टिक बॉटल में आता है विच इज़ इन डार्क ब्राउन इन कलर एंड इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड नहीं है और इसकी जो ट्रांसपेरेंट कैप आती है और इसकी स्प्रेइंग बॉटल होती है विच इज़ वेरी गुड। आप इसको डायरेक्टली अपने फेस में स्प्रे कर सकते हैं। सो द पैकेजिंग इज़ वेरी सिंपल एंड ट्रेवल फ्रेंडली। तो इसकी नेट क्वांटिटी है 50 ml और इसका प्राइस है ₹275 और ये 200 ml की बॉटल में भी मिलता है बट उसका प्राइस है 1050 और मुझे इसकी क्वांटिटी के हिसाब से मुझे प्राइस बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा है। आपको इसको यूज़ ऐसे करना होता है जस्ट स्प्रे इट ऑन योर फेस डायरेक्टली आफ्टर फेस वॉश और फिर या तो आप कॉटन पैड में स्प्रे कर सकते हैं एंड देन आप इससे स्वाइप कर सकते हैं अपने फेस में और इसका टेक्सचर बिल्कुल वाटर का जैसा है, नथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर रोज़ वाटर्स और इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट स्मेल्स रियली वेरी स्ट्रॉन्गली बिल्कुल रोज़ेस की, जैसे जैसे मंदिरों में आती है धूपबत्ती की वैसी स्मेल है इसकी। प्रोडक्ट के प्रोज में बताती हूँ, इट इज़ रिफ्रेशिंग, इट हाइड्रेट्स द स्किन एंड इट इज़ ट्रेवल फ्रेंडली और कॉन्स बताती हूँ, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इतनी कम क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड मुझे कुछ डिफरेंस दिखा नहीं है जो और रोज़ बॉटल्स में होता है और सबसे ज़्यादा बड़ा कॉन मुझे इसमें ये लगा है डेट इसमें इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है, हमें पता नहीं है कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं और अगर रिपर्चेस की बारी आए तो आई डोंट थिंक सो आई विल बाय दिस अगेन। मैंने ऐसे कामा आयुर्वेदा के दो फेशियल मिस्ट बताए थे, जो मैंने दूसरा मंगाया था वो मोगरा वाटर था, उसका प्राइस और क्वांटिटी भी सेम ही है बट इसकी स्मेल कम है एज़ कम्पेयर टू द रोज़ वाटर बट फिर भी ज़्यादा है, बहुत जिनको स्मेल ज़्यादा पसंद नहीं आती है तो उनके लिए तो ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल बेकार हैं, आप वो ये बिल्कुल भी ऑर्डर ना करें। लास्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं विच इज़ VLCC पुनर्नवा एस्ट्रोजन रिव्यू और मुझे VLCC के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। VLCC का रोज़ वाटर भी मेरे पास है विच इज़ रियली वेरी गुड, एक टोनर की तरह वो बहुत ही अच्छे से काम करता है आपकी स्किन में, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। सो जो ये एस्ट्रोजन है ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है और ये डिटॉक्सीफाई एंड कंट्रोल्स ऑयल सिक्रीशन और ये जिनको पिंपल्स होते हैं बहुत ज़्यादा उनके लिए भी बहुत अच्छा है बट ये प्रोडक्ट एक्चुअली लीक्ड आया था, आप देख सकते हैं जैसे पैकेजिंग में ये लीक्ड आया था। सो इसलिए मैं आप सबको बोलूँगी कभी भी आप पैकेजिंग को ना फेंकें ना बिल को फेंकें और इसका जो आउटर कवर है जो नायका का बॉक्स आता है उसको भी ना फेंकें क्योंकि आप रिप्लेस कर सकते हैं, आप नायका के ऐप में जाइए और वहाँ पर से रिप्लेस होगा, कस्टमर केयर में नंबर में कॉल करें आराम से आपका रिप्लेस हो जाएगा।
तो इसकी MRP ₹160 है, बट ये डिस्काउंट में ₹120 में मिला। इसमें 25% ऑफ था और इसकी नेट क्वांटिटी है 100 ml, और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है देन कामा आयुर्वेदा। सो आई विल टेल यू ऑल टू डेफिनेटली ऑर्डर दिस, बिकॉज ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन और ऑयली स्किन। Thank you guys for watching my video. I hope you really enjoyed it. Then do not forget to hit the like button. Or please mere channel ko subscribe karna na bhule. So bye bye.